أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم 7th class how are you I hope you are fine and safe today we are going to start the 6th lecture of science so please open the books last time beta hum log unit number 11th ko study kar rahe the oscillation and waves ko usme humne iski reading ki thi aaj hum iski exercise karenge चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज एन ओसिलेशन ओसिलेशन क्या है टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड ओसिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द पीरियड द टाइम टेकन फॉर अ वन कंप्लीट ओसिलेशन इज कॉल्ड अ पीरियड वो टाइम जिसमें एक ओसिलेशन कंप्लीट होती है उसे हम क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओसिलेशन इसका आंसर है द नंबर ऑफ द ओसिलेशंस दैट आर कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओसिलेशन इट मीन्स जितनी नंबर ऑफ द ओसिलेशंस वन सेकेंड में कंप्लीट हो रही हैं उसे हम क्या कहेंगे कि ये ओसिलेशंस हैं इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ द वेव पासिंग एवरी सेकेंड वो कहता है कि इसे हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हर सेकंड में जितनी नंबर ऑफ द वेव्स पास होती हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज मींस दैट 100 वेव्स आर पासिंग एवरी सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास अ चाइल्ड ऑन स्विंग गोज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड 100 टाइम्स इन 5 मिनट्स कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द ओसिलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज वो कहते हैं एक हमारे पास बच्चा है वो झूला झूल रहा है वो 100 टाइम्स आगे की तरफ आता है और 100 टाइम्स पीछे की तरफ जाता है तो 5 मिनट्स में अब वो कहता है कि आपने कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज में लिखनी है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाई पीरियड होगा हमारे पास पीरियड हमारे पास क्या है टाइम टेकन फॉर वन ओसिलेशन अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो नंबर ऑफ द ओसिलेशन इन वन सेकेंड में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ द ओसिलेशन हो रही हैं टाइम उसने 5 मिनट्स दिया है बेटा मिनट्स की बात कर रहा है वो तो हमने मिनट्स में नहीं लेना हमने मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे एक सेकेंड में हमारे पास एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं हम तो 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा अब हमने पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है तो 300 हमारे पास क्या टाइम है और कितनी ऑसिलेशन पास हो रही हैं हमारे पास वो 100 हमारे पास पास हो रही हैं उन्हें जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास द मून क्वेश्चन नंबर 3 है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इन द सेकेंड्स वो कहता है कि हमारे पास चांद है वो 28 डेज जो है अर्थ के गेट घूमता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास तो इसका आंसर देखें द पीरियड ऑफ द ओसिलेशन इन द सेकंड बेटा यहाँ पर अगर आप टाइम देखें तो उन्होंने हमें टाइम डेज में दिया है हमने टाइम को हमेशा हम सेकंड्स में लेते हैं तो 28 डेज है एक डेज में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं और 60 ही सेकेंड्स होते हैं हम इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा इट मीन्स हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड आउट हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पेंडुलम क्लॉक इज लूजिंग टाइम इज द पीरियड टू लॉन्ग आर टू शॉर्ट शुड पेंडुलम मेड लॉन्गर आर शॉर्टर तो इसका आंसर है इट्स पीरियड टू लॉन्ग अगर हमारे पास पीरियड लॉन्ग है तो पेंडुलम हमारे पास शुड बी मेड शॉर्टर होगा तो हमारे पास जो पेंडुलम बनेगा वो हमारे पास कम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट आर द ट्रांसवर्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो इसका आंसर है वेव्स कैन बी ट्रांसवर्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की टू टाइप्स है ना लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है और ट्रांसवर्स वेव्स हो सकता है ट्रांसवर्स वेव क्या है हमारे पास प्रोड्यूस व्हेन द ऑसिलेशन इज फ्रॉम साइड टू साइड एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रैवल जब साइड टू साइड हमारे पास ओसिलेशन प्रोड्यूस्ड हो रही हों एट अ राइट एंगल पर तो तब हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं नेक्स्ट अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें द वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड मूवमेंट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हमारे पास वेव्स बैकवर्ड और
फॉरवर्ड मोशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। द वेव ऑन द स्प्रिंग एंड द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो वेव्स स्प्रिंग में प्रोड्यूस्ड होती हैं और साउंड वेव्स से जो प्रोड्यूस्ड होती हैं हमारे पास, उन्हें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। आगे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वो इंक्लूड नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें तो वो हमारे पास है, व्हाट आर द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड। जो लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर है द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड जितनी होती है उस पर साउंड ऑफ द वेव्स डिपेंड करता है। इफ द एम्पलीट्यूड इज लार्ज अ लाउड साउंड विल बी हियर्ड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है हमारे पास तो आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। द लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द साउंड। बेटा उन्होंने आपको एनी 3 दी हैं तो आपने सारी ही ये देखनी है। आपकी डोरबेल है फर्स्ट, सेकंड है स्मोक डिटेक्टर, रेडियो, टेलीविजन, सिक्योरिटी अलार्म, ये तमाम आपके पास हैं। आपने इन तमाम पर शॉर्ट नोट लिखने हो। इसका आंसर आपको पेज नंबर 106 पर मिलेगा। हम लास्ट पर स्टडी कर चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द साउंड इन डेली लाइफ में हमारे पास इलेक्ट्रिक डोरबेल्स हैं, नेक्स्ट हमारे पास रेडियोज हैं, टेलीविजन है, स्मोक डिटेक्टर है और सेफ्टी अलार्म्स है। ये आपने तमाम क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन लिखने हैं। ये आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में सेंड किए जाएंगे। आपने अपना काम कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।